जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो पैलेस, हैदराबाद हाउस, जो दिल्ली में लोकेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करें। तो ये बात है सर 1920 की, जब इंडिया में पूरा ब्रिटिश रूल था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहा करते थे दिल्ली में। तो जो जो भी प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं, उन लोगों को एक मीटिंग रखी गई दिल्ली में। एवरी ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोली कि आप लोगों को जो जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं, उन लोगों को दिल्ली आने का है, हर साल एक मीटिंग रहेंगी यहाँ पे बोल के। तो हैदराबाद के निज़ाम भी प्रिंसली स्टेट के रूलर थे। 1925 में मीर उस्मान अली खान, जो सेवन्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने एक ज़मीन खरीदे 9 एकड़ इन द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में। 9 एकड़ ज़मीन खरीदी गई उनका पैलेस बनाने के लिए। क्यों बोलते हो, ये मीटिंग्स होने वाले थे। तो हैदराबाद से जो जो भी इंडिया से जो जो भी प्रिंसली स्टेट रूलर जा रहे थे, वहाँ कहाँ खड़ेंगे, तो उन लोगों के लिए एक पैलेस बनाना बहुत ज़रूरी था। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद क्या करे, 9 एकड़ ज़मीन दिल्ली में ख़रीदे 1925 में। 1926 में आर्किटेक्ट एडविन लुथेंस को ये प्रोजेक्ट दिया गया। चलिए इनको थोड़ी अपन नज़दीक से जानते हैं। एडविन लुथेंस जो थे, पूरा जो दिल्ली था, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, इन्हों ही आर्किटेक्ट करे थे, इन्हों ही बनाए थे। तो इन्हों ब्रिटिश रूल में बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश रूल के ज़माने में। तो इनको दिया गया ये पैलेस निज़ाम ऑफ हैदराबाद की तरफ से कि आप बनाओ ये पैलेस हमारा बोल के। तो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, जो प्रेजेंट राष्ट्रपति भवन है, वो भी एडविन लुथेंस ही बनाए थे। तो उन्होंने ही उसके आर्किटेक्ट है। 1928 में एडविन लुथेंस इसको तैयार कर दिए, बन के बिल्कुल रेडी था पैलेस। पैलेस को बिल्कुल यूरोपियन मुगल स्ट्रक्चर में बनाया गया था, बिल्कुल इसको वो हिसाब का आर्किटेक्चर दिया हुआ था। और इसको बटरफ्लाई, बिल्कुल जो बटरफ्लाई का जो शेप आता, वो तरह का पूरा पैलेस को शेप दिया गया था। और ये जो पैलेस में टीक वुड यूज़ करे थे, वो ख़ास बर्मा से मंगाई गई थी। जो ये पूरा पैलेस में जो फ्लोरिंग में, जो आजू बाजू जो वॉल्स पे जो टीक वुड यूज़ करी हुई है, वो बर्मा, जो प्रेजेंटली अब म्यांमार है, वहाँ से मंगवाई गई थी वो ज़माने में। ये पैलेस में 36 रूम्स बनाए गए, जिसमें हॉल्स और जो मीटिंग हॉल्स है वो पूरे एक्सक्लूडेड है, और 4 जनाना रूम्स है। जनाना रूम्स मतलब जो लेडीज़ ख़ास निज़ाम के थे, उन लोगों के लिए 4 जनाना रूम्स बनाए गए ये पैलेस में। जो अभी प्रेजेंटली जो 4 जनाना रूम्स है, वो डाइनिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पैलेस तो बनके पूरा रेडी था, मगर खाली था, बिना फर्निशिंग्स के, बिना फर्नीचर के, पूरा खाली था पैलेस। तो अब बात थी फर्नीचर की, डेकोरेशन की, इलेक्ट्रिक फिटिंग की, जो बेसिक एमिनिटीज़ रहते पैलेस में, उसकी बात थी। अब एक खाली था पैलेस, अब ये सब चीज़ें एमिनिटीज़ की ज़रूरत थी। तो उसके बाद क्या होना था, निज़ाम फरमान जारी करे, जो हैदराबाद के जो पैलेसेस में जो फर्नीचर यूज़ हुआ करता था, सीधा लंदन को ऑर्डर दिया गया फर्नीचर के लिए। और लंदन को ऑर्डर देते, लंदन से फर्नीचर आ गया पैलेस के लिए। तो इसका जो पैलेस का जो फर्नीचर था, पूरा लंदन से मंगवाया गया। वो पीरियड में 26 लाख रुपीज़ फर्नीचर के लिए खाली खर्चा करे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, लैंप्स हो गए, फैंस हो गए, चैंडलरीज हो गए, ये जो इलेक्ट्रिक फिटिंग थी, ये सीधा न्यूयॉर्क से इंपोर्ट करे थे डायरेक्टली। पूरा जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी, तो बिल्कुल नया नया एक रेवोल्यूशन आ रहा था। तो जो जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, लैंप्स है, फैंस है, पूरे न्यूयॉर्क से इंपोर्ट करे थे डायरेक्टली। जो पैलेस के जो फर्निशिंग्स थे, जो कर्टन्स थे, कारपेट्स थे, ये खास करके इराक और ईरान से मंगवाए गए थे इसमें वो करने के लिए। सिल्वर डाइनिंग सेट, जो चांदी का बोल सकते हैं आप लोग, 500 पीपल को सर्व करे उतना बड़ा डाइनिंग सेट। कई डाइनिंग सेट्स इराक और ईरान से मंगवाए गए, जो 500 पीपल को सर्व किए जाते थे, जो चांदी के बने हुए थे। और ये पैलेस के डेकोरेशन में 4 चांद लगाने के लिए दुनिया भर से पेंटिंग्स मंगवाए गए। दुनिया भर के जो लाहौर है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सब जगह से पेंटिंग्स मंगवाए गए ये पैलेस के डेकोरेशन में 4 चांद लगना बोल के। तो पूरे पेंटिंग्स खरीदे गए और डेकोरेशन के लिए ये पैलेस में। अब पैलेस था बनके बिल्कुल रेडी निज़ाम ऑफ हैदराबाद को होस्ट करने के लिए। इसमें पूरे एमिनिटीज़ थे, पूरा फर्नीचर, डेकोरेशन पूरा बनके बिल्कुल रेडी था। बट निज़ाम ऑफ हैदराबाद 8 साल के बाद में, जो रेडी हुआ उन्हें 8 ईयर्स के बाद में, दिल्ली को आए, पैलेस में प्रवेश करे और पैलेस का जायज़ा लिए। और उनको पहली नज़र में ये पैलेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना खर्चा करे बाद में, हर जगह से, हर कंट्री से अलग अलग चीज़ें मंगवाए बाद में, उनको ये पैलेस पसंद नहीं आया। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये पैलेस में आया और उनको ये पूरा पैलेस का जायज़ा लेते, उनको ये पैलेस कतई पसंद नहीं आया पहली नज़र में। उन्होंने ये पैलेस को ये देख के बोले कि ये पैलेस बिल्कुल वेस्टर्नाइज, बिल्कुल वेस्टर्न लुक में बनाया गया, सो है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लुक इसको कर दिया गया, सो है पैलेस को, ये पैलेस नहीं, घोड़ों का अस्ताबल है बोले उन्होंने। लिटरली यही लाइन थी, ये पैलेस नहीं है, घोड़ों का अस्ताबल है ये मेरे लिए। हालांकि इतना खर्चा करे, हर जगह से इतनी चीज़ें मंगवाए, आप सोचिए कैसा बना था होगा पैलेस। और आज भी फोटोज़ में अपन देख सकते पैलेस का फर्नीचर, पैलेस का इंटीरियर। उन्होंने पैलेस को देख के ये बोले कि
ये पैलेस नहीं है, घोड़ों का अस्ताबुल है बल्कि। 1936 ये उनकी फर्स्ट और लास्ट विजिट थी दिल्ली को, फिर कभी उन्होंने पैलेस को नहीं आए। 1936 पहली बार आए थे और ये फर्स्ट और लास्ट विजिट थी, और इसके बाद में कभी भी उन्होंने फिर दिल्ली को नहीं आए। ये हैदराबाद हाउस जो पैलेस जो बना हुआ है दिल्ली में, आप इसको मिनी राष्ट्रपति भवन बोल सकते हैं, क्योंकि जो एडविन लुथेन्स जो इसको बनाए थे, राष्ट्रपति भवन एक बड़ा है और बिल्कुल वही आर्किटेक्चर का, बिल्कुल वैसे ही कॉपी, उसकी एक रिप्लिका कॉपी जो बिल्कुल साइज़ में छोटी है, वैसा बनाए थे उन्होंने। जबकि इंडिया के सबसे ग्रैंड पैलेसों में से एक पैलेस जो दिल्ली में एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया का हाउस था, और एक हैदराबाद हाउस था जो सेवेंथ निज़ाम मीर उस्मान अली खान का रेसिडेंस हुआ करता था जब उन्होंने दिल्ली आया करते। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैलेस निज़ाम ऑफ हैदराबाद से लीज पे ले ली। जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद की डेथ हुई 1970 में, इन लोगों का जो लीज का जो अमाउंट रहता वो भी देना बंद कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट में। बाहर के जो कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स आते सब करते, उन लोग यहीं पे आके लंच डिनर और जो प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकातें रहती पूरे हैदराबाद हाउस में ही होती। आप कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट देख लो, US हों दो, जापान हों दो, चाइना हों दो, कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया आया तो दिल्ली में हैदराबाद हाउस में ही रुकता। क्यों बोले तो ये एक मिनी राष्ट्रपति भवन है, उतना बेहतरीन इसके इंटीरियर्स है, उतने बेहतरीन इसके एक्सटीरियर्स है। इसका जो मुगल गार्डन है और जो प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकातें होती, जो उन्होंने टहलते, जो वॉकिंग एरिया है इसका, वो बिल्कुल एक बहुत ही एक अलग टेस्ट से बनाया गया सो है, एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाया गया सो है। जो स्ट्रक्चर आपको हैदराबाद के पैलेसेस में भी देखने को नहीं मिलता, उतना बेहतरीन स्ट्रक्चर में हैदराबाद हाउस को बनाया गया सो है। उसका जो फर्नीचर है, ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे, ये फ़ोटो का जो टेबल देखिए आप, जो कोई भी प्रेसिडेंट आया तो ये टेबल पे बैठ के बुक में मेंशन करता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं राइट साइड में। ये टेबल का फर्नीचर देखिए, ये निज़ामी मंगवाए थे ये जो फर्नीचर है, जो आज इन लोग ये जो यूज़ कर रहे। तो अभी ये पैलेस अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाथ में है। तो इसके बाजू महाराजा का बड़ौदा का पैलेस भी था जो निज़ाम के बिल्कुल सामने बनाया गया था, मगर उसको एक रेलवे ऑफिस बना दी गवर्नमेंट। उसको भी हालांकि हैदराबाद हाउस के वैसा बना सकते थे, एक गेस्ट हाउस बैंक्वेट्स, जो अभी हैदराबाद हाउस में जो बैंक्वेट्स अभी यूज़ कर रहे, जो प्रेसिडेंट्स के लिए बैंक्वेट्स हो रहे, जो पार्टीज़ अभी हो रहे, उसको भी बना सकते थे, मगर उतना खूबसूरत नहीं था बोल के हैदराबाद हाउस को यूज़ किया गया। हैदराबाद हाउस में वैसे चीज़ा थे उतना खूबसूरत, उतने इंटीरियर्स उसके खूबसूरत थे, उतने एक्सटीरियर्स उसके खूबसूरत थे बोल के उसको हैदराबाद हाउस को आज तक उसको प्रिजर्व रखा गया, और एक दिल्ली की एक इंडिया की एक शान बन गई। क्यों बोले तो पूरे जो प्रेसिडेंट्स आते यहीं पे रुकते। तो हैदराबाद हाउस जो निज़ाम बनाए थे मीर उस्मान, सेवेंथ निज़ाम हाइनेस मीर उस्मान अली खान जो बनाए थे, एक इंडिया की एक शान बन गई सो है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स में बोलिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।